हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज है चौथा दिन, हम अभी पहुंचे हैं अड़ेछीना गेस्ट हाउस। यहीं पे हमने रूम बुक किया और यहीं पे हम रुक चुके हैं। अभी हम जाने वाले हैं न्याय के देवता गोलू देवता के मंदिर में। अभी थोड़ी देर जाके दर्शन करते हैं, उसका नाश्ता बन करके निकलेंगे। आज हम राम मंदिर के लिए आगे की ओर और हमारे ललित भाई बैठे हैं तैयार व्यार होके सब एकदम। और ये देखिए कितनी बढ़िया लोकेशन पर है ये। हाँ गार्गी भी नहा के आ चुके हैं, कुछ छूटा नहीं है। देख लिया सब, तो यहाँ रुके थे हम लोग रात को और अब चलने की तैयारी। सब रेडी, सब रेडी। चल ऐसी चलाना है। ना ना अभी तो नहीं चलाना। प्रेज हेलो, तो है। हमें कब मिल रही है उस पर भी डिपेंड करता है। भाई तो हमारे पास तो कब पहुंच रही मिठाई, कब की बनी। सिंगोड़ी दो दिन से ज्यादा नहीं चलती है। सिंगोड़ी तो खाते खा भी सिंगोड़ी तो खाते भी कहा, क्योंकि यही खा पाता उसे कोई खा पाता। उसने लिखा है वहाँ पे, नोट लिखा ही होगा। तो क्या मंदिर मंदिर यहाँ से यही लगा दे, अल्टो के पास से भी जा सकते, अल्टो के पास ही लगा दे, बस यही लगा दे कोने में। मम्मी का प्रसाद छीन लिया बंदर ने। वाला नहीं जा रहा है अभी कालू जाते समय नहीं आते समय आलू को तो दोस्तों हमें अभी गोलजू देवता के मंदिर में, जो कि जिनको न्याय का देवता बोला जाता है, हम चिताई गोलू धाम मंदिर में है अभी। और ये मैं इनके पूरा जो परिसर है इसी में खड़ा हूँ। ये है देखिए, जो हमारे उत्तराखंड टूरिज्म वालों का जो बना होता है पूरा एक अपना ट्रेडमार्क, वो ये है। देखिए गार्गी भी पूरा यहाँ पे एंजॉय कर रही है माता के मंदिर। देखें हमारे चिताई गोलू देव मंदिर है। हाँ रजनी बंदर पे ध्यान देना गार्गी, बंदर से दूर, बंदर को देखो। मम्मी के साथ रहो, मम्मी के साथ रहो।
अरे लेट हो रहा है। यार ये बंदर से देख के, हाँ बंदर को देख के चलना। हाँ आराम से ललदा हमारी खींच ना। हम लोग भाई पहुंच चुके हैं अभी कोसी क्षेत्र में और अभी हम रामनगर के लिए बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो अभी यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए और बढ़िया सा भोजनालय देखिए यहाँ पे। भोजनालय में यहाँ पे ऑर्डर किया गया नाश्ता। तो ये आ गई है दोस्तों भतरौज खान मार्केट। दोस्तों ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर की ओर बढ़ते हुए। ये रोड जो राइट को चली गई ऊपर, ये मरचूला की तरफ को चली गई और हम बढ़ेंगे अब रामनगर की तरफ को लेफ्ट में। और इसी के साथ हमारा सफर धीरे धीरे खत्म होता हुआ अब 719 किलोमीटर का ट्रैवल तक कर लिया है। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तुम्हारा दुर्गा देवी सबसे खतरनाक जोन है। कितनी बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी लेके आ जाओ, एक मिनट में उठा के फेंक देगा पानी। ये बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामयाबी है। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, किसी ने कुछ भी नहीं करा। पिछले दस साल से तो वही है फिलहाल। हाँ फिलहाल 10 साल से वही है, तो सब अंधे बने बैठे। सबसे अच्छी बात यह है कि धनगढ़ी से पहले ही आया था, यहाँ जाने में आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी ये फिलहाल बंद है, ये खुलेगा 15 नवंबर के बाद। ये खुलेगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को सबसे अच्छा जोन है। और साइटिंग अभी काफ़ी जोन खुल गए, सब में साइटिंग हो रही है बढ़िया। अच्छा है,
ऑटो में इस बार सबसे ज्यादा फाइटिंग हुई है। चलो फिर लल्दा चलो हमारा शेयर करें।